बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजनों ते बेलियो, की हाल ने? उम्मीद करदा हाँ कि सब बिल्कुल फिट फाट हो से। जुनाबे वाला, अज असी एक ऐसी क्राब दे विच खड़ोते हाँ और तुहानू एक ऐसे जिम्मेदार दे नाल मिलवाने जा रहे हैं जिन्हां दा यह दावा है कि असी जुनाबे वाला लखां नहीं करोड़ां कमा रहे हैं। तो सब तो पहले जनाब तुहानू जिम्मेदार दे नाल तारफ तुहाडा करवाने हैं और उस तो बाद इस फसल की सारी डिटेल लैके तुहाडे नाल शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम सलाम भाई जान। सब तो पहले अपना नाम दस दियो। जी गुलाम अली गोंदल। गुलाम अली गोंदल साहब, तुहाडा इलाका केड़ा है? डिस्ट्रिक्ट सरगोधा, तहसील कोट मोमन, पोस्ट ऑफिस उज्जन। जी गुलाम अली साहब, तुसी जनाब अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उस तो बाद जरा ये इंट्रोडक्शन करवा दियो कि ऐसी केड़ी फसल है जिदे दे विचों तुसी लखा नहीं अरबा कमा रहे हो, करोड़ा कमा रहे हो, उस फसल का की इंट्रोडक्शन है जरा? भाईजान इस फसल का तारुफ है HG1 के नाँ तो। असा नहीं भाईजान, होर भी सैकड़ों फार्मर जड़े हैं जी, वह भी लख ला के तो करोड़ा कमा रहे हैं। तो असा इस जनाब खूब पाया, खूब तो भी खूब, माशाल्लाह जबरदस्त है। अच्छा अगे ये दसो कि तुहाडा ये जड़ा है इस सैड से इस फसल को लाने का तुहाडा आइडिया जड़ा है वह किस तरह हुआ है? आइडिया जनाब इस तरह आया कि फेसबुक ने भी असी टच किया, यूट्यूब ने भी किया, तो उस तो बाद फिर साढ़े कुछ दोस्त कुछ रिश्तेदार उन्होंने भी ये फील्ड जी आई ना जी ये जारी की आई, तो अस उन्होंने वेख के दिलचस्पी लई, तो फिर पिछले साल एडवांस अस बुकिंग करा के ना जनाब असी सीड जड़ा है वह खरीद लिया, तो फिर असी अपनी फार्मिंग जी है वह शुरू कर दी है। अलहमदुलिल्लाह साड़ी फील्ड थोड़े सामने आ, अच्छी है बुरी है ये थोड़े सामने आ, तुम खुद मुवाजना कर लवो। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। तो ये जनाब पिछले साल लाया, तो ये कितना लाई बैठे हो? साढ़े को इस टाइम जी है 2.5 एकड़ है जी। ठीक हो गया। अच्छा ये दसो कि लोग कहते हैं कि जीवन एक दुख है, एक फराड है, इस दे बारे तुसी की कहते हो? भाई जान जेड़े इहदे विच आ चुके हैं ना जी वह इसन कदे भी दुख नहीं कहणगे, तो जेड़े हैं ना जी कुछ अनासर वो एवें व्यू दे अंदर आते हैं, लेकिन एक साल गुजरन तो बाद वो जेड़े कहंदे ने दुख है वह खुद फार्मिंग क्यों कर रहे हैं, फिर तुसी आप सोच लो जनाब। माशाल्लाह जबरदस्त है। इस दे फ्यूचर दे बारे की कहंदे हो कि कितने साल मजीद इस तरह ही सीड्स दे अंदर चलदा रहेगा? ये जनाब फार्मर टू फार्मर अजय इंशाल्लाह 4-5 साल चलेगा, उस तो बाद अगर मंडी का रुख इख्तियार करता है तो फिर भी जनाब ये दोनों 25-30 लाख प्रॉफिट 1 एकड़ देने वाला, अगर घर दे सीड होने तो कोई ऐसा मसला नहीं। माशाल्लाह जबरदस्त, मतलब सीडा तो बाद भी अगर मार्केट तुसी सेल करना फिर भी 25-30 लाख? 200 रुपए 250 रुपए पर के जी फ्रैश तो यह सेल करना ही करना जी, ते अगर इसका वजन तुसी 300 मन प्लस लेंदे हो तो फिर कैलकुलेशन मारो कि वो किन्नी रकम बनती है, किन्ना पैसा बनता। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा सर ये दसो कि 1 एकड़ में कितना बीज लाना चाहिए? 1 एकड़ च जी 30 मन प्लस लाना चाहिए जी, नंबर ऑफ प्लांट होना चाहिए ना, इस साल इस 1 एकड़ के बेच साडा पौधा है जी 45-46 हज़ार, अगला साल इंशाल्लाह इस 1 एकड़ बेच साडा होएगा 65-70 हज़ार, शायद 75 हज़ार हो जाए, नंबर ऑफ प्लांट हो तो फिर तुसी 400 मन तक पहुँच सकते हो। तो फील्ड साड़ी तुहाडे सामने आ जी, तकरीबन एक पौधा जड़ा है ना जी 800 ग्राम 900 ग्राम और 1 kg प्लस भी बेच हैं कुछ पौधे, तो उस हिसाब ना तुसी वजन ले सकते हो, फिर इसनू मंडी का रेट च भी वेख लो कि किन्ना एक पैसा दे रहे हो। माशाल्लाह जबरदस्त है, 800 ग्राम तो लैके 1 kg प्लस भी तुहाडे पौधे ने, बड़ी शानदार फसल खड़ोती है। तो इस फसल की इस टाइम कितनी एज हो चुकी है? आज तारीख है 22/4/2023 ये जी, 10वें महीने की 7 तारीख नू बिजाई हुई है, तो हूँ तक इस नू फिर वेख लो जी अगर कितना टाइम रहा है, अगले मई की 10 तक इसकी हारवेस्टिंग हो जानी है, ये तकरीबन 6-7 महीने की ज़्यादा ज़्यादा फसल बनती है जी। ठीक हो गया, माशाल्लाह जबरदस्त है, तुहाडी फसल वेख के मजा आ गया। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त फसल मैं नहीं अपनी जिंदगी वेखी, इतनी जबरदस्त फसल होने का की राज है? जी बस अल्लाह ताला की करम निमाजी हुई है जी, बीज साडा मिच्योर सही तैयार होया, फील्ड विचों असां उठाया खुद, फिर ड्राई किया, फिर जमीन सही तैयार हुई, गर्मियां सारियां जमीन खाली रखी,
बल्कि असां इहदे विच जंतर गुआरा तिल वो मिक्स कर दिते, बिजाई कर दी, फिर उसनों रूटावेटर मारिया, चेज लाल असी पाँच दिन छे दफा चलाई हुई इहदे विच जी, ते गोबर भी इहदे विच असां पाया होया। ते यही कमाल है जी, अलकासिब हबीब अल्लाह, मेहनत करन वाला अल्लाह दा दोस्त है जी, ते अल्लाह दी करम नवाजी है जी, उसी साडे कोल करवाया, लखां लाया करोड़ां पाया। माशाअल्लाह जी, जबरदस्त, अल्लाह ताला मजीद बरकतां पावे। ते ये दसो कि नवे जिहड़े फार्मर्स इस पासे आने चाहते ने, उन्हां वास्ते तुहाडा की पैगाम है? भाईजान, वह बेधड़क हो के आन, ये जिहड़े आ ना मनफी प्रोपेगेंडा शोशे, उन्हां ते बिल्कुल ध्यान ना देन, बिल्कुल सोचनी नहीं, छोटे पैमाने तो कर लैन, लेकिन करन, एक साल छोटे पैमाने तो करनगे, अगला साल सोचनगे कि छोटे तो ना करना, कि थोड़ा ज़्यादा करना, ये ऐसी खराब है। माशाअल्लाह जबरदस्त है। अच्छा, नवे फार्मर वास्ते सब तो वड्डा चैलेंज ये होंदा है कि चंगा बीज लेना, और बीज लेने दा सब तो बेहतरीन जेड़ा वक्त है वो केड़ा है? भाईजान, अथेंटिक HG1 नवे फार्मर नूं लेना चाहिए, और बेहतर तो है जी कि एडवांस लवे, फील्ड विचो लवे, ये नहीं कि वो ड्राई तो जाके मिक्सिंग लवे, उद्दे वे चरनाई होवे, उद्दे इंडियन होवे, कुछ होर वैरायटियां हो, नो मिक्सिंग होवे, उस तो बचने वास्ते बेहतर है कि वो हारवेस्टिंग तो पहले पहले बुक करवा लवे, तो अगर वो बाद विच करवाएगा तो जरूर मसायल आते हैं मिक्सिंग दे जी। अच्छा, मतलब बुकिंग से अगर करवावे तो मिक्सिंग चो बच सकता है, उस तो इलावा कोई रेट शेट का भी उन्हें फायदा हो सकता है या नहीं? रेट का पिछले साल की हिस्ट्री वेख लैन जी, रेट पिछले साल फ्रैश तो किन्ना सी, फिर ड्राई तो किन्ना चला गया, बिजाई तक वेख लैन, 16-17-18 हज़ार तक पर के जी चला गया। बेहतरीन टाइम तो है एडवांस बुकिंग, कि एडवांस बुकिंग हो जाए काफ़ी मसाइल तो बच जाता, कीमत ज़्यादा नहीं उन्हों अदा करना पवेगी, उसनों मिलावट नहीं मिलेगी, तो टाइम नाल अपनी फसल जड़ी है उसनों संभाले, सीड नू संभाल के रखे, फिर वो ईजी रहेगा, उसनों कोई मसला नहीं बनेगा जी। गुलाम अली साहब, बहुत मेहरबानी जीवन के हवाले नाल, लगता है कि जितने भी नाजरीन दे सवाल लाना तुसी उन्होंने, मैं उन्होंने उठाया है, तुसी उन्होंने जवाब दिते ने। लो जी सजनो, आज दी वीडियो सी जीवन दे बारे, कि जीवन दी फसल जदीद ज़रात दे अंदर शामिल है, और इस ते तुसी इस फसल नू गाड़ के कितना एक दा प्रॉफिट ले सकते हो, वो सारी गल बात तुसी सुनी। लो जी, इस वीडियो दे अंदर इतना ही है सी। मेरे नाजरीन, तुसी हुण मैनू ते मेरे मेहमान गुलाम अली नू इजाजत दियो। जी लिखवाओ जी। नंबर है जनाब 0380-36-279, ये मेरा कंटैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप भी है, या किसी फार्मर नूं चाहिए होवे ते वो मेरे नाल राबता कर सकदा जी। जी ये गुलाम अली साहब ने अपना नंबर बोलिया, एक बार फिर वो बोल देंदे ने, ते स्क्रीन ते भी नज़र आ रहा है, अगर किसी ने एडवांस बुकिंग करवानी होवे सीड लेने वास्ते तो वो इन्हां नाल राबता कर सकता है। लो जी सजनो, इस वीडियो विच इतना ही, मजीद चंगी जी वीडियो लैके फिर तुहाडे नाल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करांगे। हुण दिओ मैनू ते मेरे मेहमान नूं इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।